हेलो एवरीवन वेलकम टू फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल आई एम नीरज कुमार कैथल आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोल्ड चेन मेथड और उसके इक्विपमेंट्स की सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज़ कोल्ड चेन कोल्ड चेन क्या है कोल्ड चेन एक ऐसा मेथड है जिसमें वैक्सीन को प्रोडक्शन साइट से मिनिमम टेम्परेचर पर वैक्सीनेशन साइट तक पहुंचाया जाता है हम सभी जानते हैं कि वैक्सीन्स को एक मिनिमम टेम्परेचर पर स्टोर करना आवश्यक है अगर उस टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर अगर वैक्सीन्स को मिला तो वैक्सीन्स डिस्ट्रॉयड हो जाती हैं ख़राब हो जाती हैं ये खराब ना हो इसलिए इसे लगातार एक मिनिमम टेम्परेचर पर स्टोर करते हुए जहां से इनका निर्माण हुआ है वहां से वैक्सीनेशन साइट पर पहुंचाने की प्रक्रिया कोल्ड चेन कहलाती है आइए बात करते हैं कोल्ड चेन में इस्तेमाल किए जाने वाले इक्विपमेंट्स की कोल्ड चेन में दो प्रकार के इक्विपमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं पहला है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और दूसरा है नॉन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट equipment, ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी या लाइट का इस्तेमाल किया जाता है जबकि नॉन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता नहीं होती इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में सबसे पहला है वॉक इन फ्रीज़र वॉक इन फ्रीज़र वॉक इन फ्रीज़र में हम वैक्सीनस को माइनस फिफ्टीन डिग्री से लेकर माइनस ट्वेंटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड तक स्टोर कर सकते हैं और वॉक इन फ्रीज़र आपके नेशनल स्टेट रीजनल वैक्सीन स्टोर्स में पाए जाते हैं नेशनल लेवल पर स्टेट लेवल पर रीजनल लेवल पर जो वैक्सीन स्टोरेज होता है वहाँ पर वॉक इन फ्रीज़र का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें टेम्परेचर माइनस फिफ्टीन डिग्री से माइनस ट्वेंटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है इसके बाद सेकंड इक्विपमेंट आता है वॉक इन कूलर्स पहला था वॉक इन फ्रीजर अब है वॉक इन कूलर्स इसे आप शॉर्ट में डब्लू के नाम से भी जानते हैं वॉक इन कूलर्स में जो वैक्सीन है उन्हें दो से आठ डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर किया जा सकता है वॉक इन कूलर्स को हम गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर डिपार्टमेंट स्टेट और रीजनल वैक्सीन स्टोर्स में इस्तेमाल करते हैं वॉक इन कूलर्स का इस्तेमाल गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर डिपार्टमेंट और स्टेट एंड रीजनल वैक्सीन स्टोर्स में किया जाता है थर्ड आता है डीप फ्रीजर डीप फ्रीज़र इसमें वैक्सीन्स को माइनस फिफ्टीन से माइनस ट्वेंटी फाइव डिग्री तक टेम्परेचर प्रोवाइड किया जा सकता है इसका टेम्परेचर सेम वॉक इन फ्रीज़र जितना ही है डीप फ्रीज़र डिस्ट्रिक्ट लेवल और इससे ऊपर के इंस्टीट्यूट्स में पाया जाता है फॉर फ्रीजिंग आइस पैक्स एट सब सेंट्रल लेवल सब डिस्ट्रिक्ट लेवल इसके अलावा ये भी इम्पॉर्टेंट है कि सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आइस पैक्स को फ्रीज करने के लिए डीप फ्रीजर उपलब्ध होता है सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आइस पैक्स तैयार करने के लिए डीप फ्रीजर अवेलेबल होता है और इसमें जो टेम्परेचर होता है माइनस फिफ्टीन डिग्री से माइनस ट्वेंटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आइस लाइन रेफ्रिजरेटर आइस लाइन रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर दो से आठ डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है और ये डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पाया जाता है आइस लाइन रेफ्रिजरेटर डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है इसका टेम्परेचर दो से आठ डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में लास्ट आता है डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर को हम फ्रंट लोड रेफ्रिजरेटर के नाम से भी जानते हैं डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर दो से आठ डिग्री सेंटीग्रेड होता है और ये डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर प्राइवेट क्लिनिक और नर्सिंग होम्स में इस्तेमाल किया जाता है नेक्स्ट मेथड आता है नॉन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट नॉन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में सबसे पहला है कोल्ड बॉक्स फुली फ्रोजन आइस पैक्स आर प्लेस्ड एट द बॉटम एंड साइड्स कोल्ड बॉक्स के अंदर इस तरह का बॉक्स होता है ये इसका कवर है कोल्ड बॉक्स के अंदर कम्प्लीटली फ्रोजन आइस पैक्स को इस कोल्ड बॉक्स के चारों तरफ और नीचे की सरफेस पर रखा जाता है और बीच में यहाँ पर वैक्सीन को रखा जाता है इस प्रकार की कुछ स्ट्रक्चर होती है कोल्ड बॉक्स की यूज टू ट्रांसपोर्ट वैक्सीन्स इन ऑल पेरीफेरी सेंटर्स इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मान लीजिए आपको वैक्सीन्स को पेरीफेरी यानी दूर के क्षेत्रों में रूरल एरियाज में ट्रांसपोर्ट करना है तो इसके लिए कौन सा इक्विपमेंट इस्तेमाल करेंगे आप तो याद रखिएगा कोल्ड बॉक्सेस का इस्तेमाल किया जाता है कोल्ड बॉक्सेस से रूरल एरिया में वैक्सीन को इजीली ट्रांसपोर्ट किया जाता है नेक्स्ट आता है वैक्सीन कैरियर इंपॉर्टेंट प्रीवियस एग्जाम में यहां से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एक वैक्सीन कैरियर में कितने फ्रोजन आइस पैक्स होते हैं एक वैक्सीन कैरियर में कुल कितने आइस पैक्स होते हैं तो आपको बताना है टोटल चार फुली फ्रोजन आइस पैक्स एक वैस वैक्सीन कैरियर में होते हैं इसके अलावा वैक्सीन कैरियर में टोटल सोलह से बीस वाइल एक समय में कैरी की जा सकती है वैक्सीन कैरियर में चार आइस पैक्स होते हैं और इसमें सोलह से बीस वाइल्स को एक साथ ले जाया जा सकता है नेक्स्ट आता है डे कैरियर डे कैरियर के अंदर इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें दो आइस पैक्स लगते हैं डे कैरियर के अंदर टोटल दो आइस पैक्स लगते हैं और इसमें हम छः से आठ वैक्सीन वाइल्स को कैरी कर सकते हैं इट कैन कैरी सिक्स टू एट वाइल्स फॉर फ्यू आवर्स मेनली यूज टू नियर बाय सेशंस तो याद रखिएगा डे कैरियर और वैक्सीन कैरियर दोनों में क्या डिफरेंस है वैक्सीन कैरियर के अंदर टोटल चार आइस पैक्स इस्तेमाल होते हैं जबकि डे कैरियर के अंदर दो आइस पैक्स इस्तेमाल होते हैं वैक्सीन कैरियर में टोटल सोलह से बीस वाइल्स कैरी की जा सकती हैं जबकि डे कैरियर में छः से आठ वाइल्स कैरी की जा सकती हैं पोलियो प्रोग्राम में आपने ज़रूर अगर ड्यूटी की है तो वैक्सीन कैरियर के बारे में आप जानते होंगे सो so एवरी ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने कोल्ड चैन क्या है कोल्ड चैन में कौन कौन से इक्विपमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं इन सभी के बारे में जाना होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा हेल्पफुल लगा होगा अगर आप मानते हैं ये इंफॉर्मेशन अच्छी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाएँ थैंक यू सो मच